हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. और आज टाइम एकदम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा है. आज मैंने डिसाइड किया है ना कि फाइनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो इस बार के CGL प्री में आया था 2023 वाला, आज इसको ख़त्म ही कर दिया जाए. और आज से एक नया बैच भी शुरू हो रहा है. 12:45 से बिगिनर्स का बैच है जिसका एक फ्री डेमो आपको अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे मिल जाएगा. तो जो बच्चे डेमो लेना चाहते हैं, ठीक है, एक बार टीचर को देखना चाहते हो ना, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो 4 साल से डेमो ही दे रही हूँ यूट्यूब पे. तो आज 12:45 से एक नया बैच शुरू हो रहा है अन अकेडमी पे, ठीक है, अन अकेडमी पे शुरू हो रहा है. उन्होंने एक क्लास डेमो कर दिया है. तो आप अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे चले जाना, आज 12:45 में क्लास का डेमो मिल जाएगा. तो टाइम से ख़त्म भी करना है. कल मैंने आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाया था जो कि मुझे काफ़ी इजी लगा. तो मैं वेट कर रही थी ना कि चलो सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी, उसमें मुझे कुछ टफ टफ वर्ड्स दिख जाएंगे. बट मुझे ऐसा कोई टफ वर्ड दिखा नहीं है, ठीक है, सब ठीक ही था. 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे ऑप्शन थोड़े से कन्फ्यूज करने वाला दे दिया था, बाकी सब ठीक था. वो कैब के लिए आप सही जगह पे हो, सही ट्रैक पे हो, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आपको वो कैब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है. ई बुक अभी तो बुक आना बाकी है, ओके, अभी तो मेन बुक आना बाकी है. अभी तो एक ई बुक के ट्रेलर से आपका सारा वो कैब आ गया. तो समझ लो कि जब बुक आएगा तो कितना इलैबोरेट होगा. तो सारा वहीं से है. चलो अगर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. इनसीडियस ये वर्ड भी आपको यूट्यूब पे करवा दिया. पेड बैच की तो छोड़ो, सब यूट्यूब पे कर लो. इनसीडियस मैंने बोला है ना, उनके इनसाइड में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, उसके इनसाइड में क्या चल रहा है, बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, हमेशा नुकसान पहुंचाएगा. इनसीडियस थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी हार्मफुल. आज हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगी. आपको सारे ऑप्शंस का मतलब पता है, ठीक है, स्पीड में चलेंगे. नेक्स्ट वाला, अरे अबाउंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी. अबाउंड का मतलब देख लो. अबाउंड का मतलब होता है, देखो अबाउंड का मतलब है कोई भी चीज़. आपको मैंने जब अबंडेंट वर्ड करवाया था, अबंडेंट का मतलब है कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में, और वहाँ पे मैंने अबाउंडिंग करवाया था. अबाउंडिंग का मतलब है बाउंड्री क्रॉस कर रहा है ज़रूरत से ज़्यादा. अबाउंडिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा है. एटिक्वेट का मतलब तो पर्याप्त, जितना ज़रूरी है उतना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. सक्सीड भी नहीं होगा. अब हमारा बच्चा यहाँ पर फंसा होगा, ठीक है, हमारा बच्चा हो सकता है इंक्रीज़. इंक्रीज़ करना, बढ़ाना. आप टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो, गलत चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है. बट ये अबाउंड का मतलब होता है फूलना फलना. अबाउंड इज़ अ हाईली पॉजिटिव वर्ड, बहुत अमीर, प्रचुर, फूलना फलना, फ्लरिश कर, फ्लरिश हो, फ्लरिश. नेक्स्ट, ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस. उसको थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, आज टाइम कम है. मॉडरेट प्राइस का मतलब है ठीक ठाक प्राइस, ना प्राइस बहुत ज़्यादा है ना प्राइस बहुत कम है, एकदम ठीक ठाक है, उचित दाम. मॉडरेट प्राइस बोलते हैं, या हम बोलते हैं फेयर प्राइस. फेयर प्राइस का मतलब है उचित दाम, रीजनेबल है, ना बहुत ज़्यादा, जितना उसकी कीमत होनी चाहिए ना उतना ही. तो मॉडरेट का मतलब है रीजनेबल. सस्टेनेबल मतलब टिके रहना. मैचिंग, स्पीड में, स्पीड में. मैचिंग मैचिंग मैचिंग. डिस्टिंग्विश का मतलब है दो चीज़ के बीच में अंतर पता लगाना. अडोर का मतलब है अडोरिंग, मतलब प्रेस करना, तारीफ करना. और मैचिंग का मतलब है रिजेंबल करना. रिजेंबल का मतलब है सिमिलर, एक जैसा देखने में होना. मैचिंग मैचिंग. परयूज़, ये समुद्र मंथन का सेकेंड या थर्ड वर्ड है. ये आपको पढ़ाया है यूज़ करने से पहले, यूज़ करने से पहले एक बार जांच पड़ताल कर लो. यूज़ करने से पहले एग्जामिन कर लो, जांच पड़ताल कर लो, नहीं तो धोखा मिलेगा. तो चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है. आज स्पीड में चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आज 120-130 क्वेश्चन है. थोड़ा सा आप अपने स्पीड बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में स्पीड बढ़ा दीजिए. यील्डेड, यील्डेड, यील्डेड. यील्ड करने का मतलब क्या होता है? यील्ड का एक मतलब उपज होता है, और एक यील्ड टू का मतलब होता है सरेंडर कर लेना, ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर लेना, आत्मसमर्पण करके बात मान लेना. तो देखिए, जो सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस, अपने करप्ट बॉस के डिमांड के सामने सरेंडर कर दिया, मतलब उसकी बात से सहमत हो गया. तो कंसीट, कंसीट का मतलब भी है तैयार हो जाना, बात मान लेना, कंसीडेड. द एफर्ट्स विल बी वेन, वेन. वेन का मतलब बताया है. इन वेन का मतलब होता है यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, बेकार.
इन वेन का मतलब है अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, केयरलेस नहीं हुआ, केयरलेस तो लापरवाह हो गया। नेक्स्ट कंसेंट, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आज मैम बहुत स्पीड में जा रही है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा है, अगर नहीं जाऊंगी ना स्पीड में तो नहीं हो पाएगा। मैंने 2 दिन में आपको सारा वोकैब करवा दिया, अब मैं आपको क्लोस्ट्रेस वगैरह भी करवा दूंगी। कंसेंट, कंसेंट देना मतलब, कंसेंट करना मतलब एग्री करना, अपनी सहमति देना, किसी को आप कंसेंट दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, सहमति दे रहे हो, तो असेंट। और डिसेंट का मतलब तो विरोध करना है, और अवर्ट का मतलब है टालना, किसी भी चीज को अवॉइड करना, डिस्टर्ब तो पता ही। अब आ जाओ विजिलेंट, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, विजिलेंट डिपार्टमेंट का क्या है, निगरानी रखना। विजिलेंट होना मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, केयरफुल होना, केयरफुल। और ये जो विजिलेंट है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। प्रूफ और बगलर तो चोर को बोलते हैं, नहीं हो। अब बोलोगे मैम सिक्योरिटी क्यों नहीं होगा, सिक्योरिटी इज सुरक्षा, सिक्योरिटी इज नाउन। अगर हमारा क्वेश्चन एडजेक्टिव फॉर्म में है ना तो हमारा ऑप्शन भी एडजेक्टिव होगा। कॉशियस होना मतलब विजिलेंट होना, केयरफुल होना। नेक्स्ट पूछा है अंडरलाइन वर्ड इंटरलिंक, इंटरलिंक का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिवियर तो नहीं होगा, ठीक है, इंटरलिंक मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सीवियर तो बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत सीरियस। फ्री तो नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कंटिन्यूअस भी नहीं। इंटरलिंक वनरेबिलिटीज का मतलब है इंटरलेस्ड, लेस, कपड़ों में लेस लगाते हो, जोड़ते हो, इंटरलेस। नेक्स्ट रिस्पेक्टफुल टीचर्स, रिस्पेक्टफुल एक पॉजिटिव वर्ड है। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक, ये तो नहीं होगा, अपमानजनक टीचर्स के संगत को कौन एंजॉय करेगा। इंसोलेंट का मतलब है रूड, दो तो हट गया। अब आप बोलोगे मैम रिस्पेक्टफुल का एडमायरिंग भी तो हो सकता है, ड्यूटीफुल भी हो सकता है। हाँ, कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हो। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग बताना, मुझे कौन से टीचर्स के एंजॉय मतलब कंपनी अच्छा लगता है, मुझे कौन से टीचर्स के साथ रहना पसंद है। एडमायरिंग टीचर्स नहीं होता है, एडमायरिंग टीचर्स का मतलब होता है ना एडमायर करते हुए टीचर्स। ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल लोग जो बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, ड्यूटीफुल होगा, ड्यूटीफुल। इंट्रीगिंग, हाँ ये ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला था, इंट्रीगिंग, ये मैं मान सकती हूँ कि ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा एग्जाम में। अरे इंट्रीगिंग का मतलब, एक तो इंट्रीग का मतलब होता है छल, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इंट्रीगिंग का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी है, किसी के लिए आप छल कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, एक तो इंट्रीगिंग होता है। अब देखो इंट्रीगिंग का मतलब आप बोलोगे मैम स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा, स्टनिंग ब्यूटी, रैविशिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव, किसी को बोलते हैं ना गर्ल्स वगैरह को, कितना रैविशिंग लग रही है, कितनी स्टनिंग, कितनी सुंदर और कितनी स्मार्ट और शानदार लग रही है, ये दोनों का मतलब एक ही होगा। नहीं, ग्लोरीफाई करना इज गुणगान करना, आंसर इज इंटरेस्टिंग। इंट्रीग का मतलब होता है ना छलावा, इंट्रीगिंग ब्यूटी का मतलब है कुछ तो उसकी ब्यूटी में है, कुछ तो है जो मैं मतलब छलने वाला, कुछ तो इंट्रीगिंग है, मतलब इंट्रीगिंग मतलब आपके अंदर का कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी जगा रहा है, कोई देख के आपके अंदर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, किसी चीज को जानने की, तो ये इंट्रीगिंग होता है। ही विकेम वर्बोज, इंट्रीगिंग का मतलब होता है ना कुछ तो इंट्रीगिंग ब्यूटी, स्लेइंग ब्यूटी, कुछ तो है गड़बड़, जो दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ तो मिस्टीरियस है। ही बिकेम वर्बोज, वर्बोज लोग जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव। स्पूरियस, ये भी वर्ड आपका किया हुआ है, सारे वर्ड्स हमने किए हैं, ज्यादा से ज्यादा ना बच्चों को ये दिक्कत आई होगी, मैम इंट्रीगिंग का मतलब होता है ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इंटरेस्ट की चीज है, यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो गया हो। बाकी स्पूरियस मैंने पढ़ाया है नकली, अब वर्बोज भी पढ़ा दिया है, स्पूरियस नकली पूड़ी खा खा कर उसका पेट खराब हो गया, स्पूरियस का मतलब है नकली, नकली इज फ्रॉडलेंट। ये स्पेशियस है, अगर ये रहता ना कंफ्यूज मत होना, ये स्पेशियस का मतलब भी होता है नकली, फॉल्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में ना कभी कभी ई ए दिखने लगता है, ये स्पेशियस का मतलब है जहां पे स्पेस ज्यादा हो, ज्यादा जगह हो, रूम, ये होता तो आंसर ये भी हो जाता। अनबायस्ड, स्पीड में अनबायस्ड, जिन बच्चों को डेमो करना है, आज जो नया बैच शुरू हो रहा है 12:45 से, उसको डेमो करना है, वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैंने आज जो डेमो वाला बैच है उसका लिंक शेयर कर दिया है,
ठीक है, आप ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम के लिंक पे आज के डेमो क्लास का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, आज से जो 12:45 में बैच शुरू हो रहा है, आज हम बेसिक से करने वाले हैं इंग्लिश, देख सकते हैं। हाँ, अब आओ, ये कई बार मैंने इस यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। ठीक है, कई बार मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, और एक क्लोस्टेस्ट मैंने पढ़ा रही थी, उसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिफरेंस बना और इसको याद करने का तरीका भी बताया था। ये मैंने क्लोज टेस्ट के समय भी बताया। देखो, आपका कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू रहता है और सबका आंसर सेम रहता है। ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे और करेक्ट आंसर वही, मतलब सबका करेक्ट आंसर कोई एक ही होगा ना। तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें वो होती है ना जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो, जो सबको बताया, जो तथ्यों पे आधारित है, जिसको सब मानते हैं, कोई एक ही आंसर होगा। बट सब्जेक्टिव पेपर में आपका एसे आता है, ठीक है, एसे आएगा, लेटर आता है, एसे लेटर आता है। और एसे लेटर में क्या है, आप अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस दे सकते हो, किसी चीज़ के पक्ष में भी दे सकते हो, क्या किसी चीज़ के विरोध में भी दे सकते हो। तो सब्जेक्टिव पेपर ना थोड़ा सा बायस्ड होता है। बायस का मतलब है आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, हो सकता है उसके प्रति आप पॉजिटिव हो सकता है आपके फ्रेंड कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, तो यहाँ आप पक्षपात करते हुए अपना ओपिनियन दे रहे हो। ठीक है, तो अनबायस्ड लोग कौन होते हैं, अनबायस्ड जो पक्षपात नहीं करते हैं, ठीक है, जो चीज़ फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो सब लोग मानते हैं। तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव का मतलब तो बायस हो गया। बायस का मतलब है पक्षपात करना, ओपिनियन देते समय ना हो सकता है आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद है, आप उसके बारे में और ग्लोरीफाई कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव कर लेते हो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट अनबायस्ड इज सब्जेक्टिव। एक्सप्लेन करना, कल कंपेल का सिनोनिम्स आया था, कंपेल करना, फोर्स करना, कोर्स करना, मजबूर करके काम करवाना। हाँ, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन का मतलब है इच्छुक, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना मतलब इलैबोरेट करना, इलैबोरेट मतलब डिटेल में समझाना। सारा प्रीवियस पेपर करिए, सारे वर्ड्स वहीं से आ रहे हैं, उसी को रिपीट करिए जो भी एग्जाम्स में आ रहा है। यूटिलिटेरियन, देखो एक तो याद रखो, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है काम का चीज़, यूजफुलनेस, लाभदायक। यूटिलिटी गुड्स होते हैं ना, जो सामान आपके काम का है, यूजफुल है। ठीक है, तो चलो बताओ, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस वॉज अप्रिशिएटेड, गवर्नमेंट के इस आइडिया को सबने अप्रिशिएट किया, तो आइडिया कुछ अच्छा होगा ना। डिसटेस्टफुल तो पॉजिटिव वर्ड है, बताओ क्या है, ये एडजेक्टिव है, यूटिलिटेरियन एडजेक्टिव है, तो हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए ना। बट थ्रस्ट, थ्रस्ट तो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, थ्रस्ट का मतलब है फोर्स, ये भी नहीं। अब बताओ, गवर्नमेंट का फैंसीफुल आइडिया है, फैंसीफुल मतलब कल्पना, इमेजिनरी। कॉन्सिक्वेंस, मॉक में सेम क्वेश्चंस, मॉक में थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, और प्रीवियस पेपर इजी आता है करिश्मा, प्रीवियस पेपर इजी आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इस बार के 2023 के, उसीलिए बोलते हैं ना प्रीवियस पेपर में सब बन जाता। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट। अब इतना बड़ा सा पैसेज दे दिया, क्या जरूरत है। चलो देखो, इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता है, डेथ इज इनएविटेबल, हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, हो के रहेगा। तो चलो बताओ, सिनोनिम बताना। जल्दी से एस्केपेबल, एस्केप मतलब तो जिससे आप बच सकते हो, ये नहीं होगा। इमेमोरेबल मतलब जो याद करने योग्य नहीं, अनडिनाइबल, डिनाई का मतलब है जिसको नकार नहीं सकते, वो जो हो के रहेगा। सर्टेन, सर्टेन है मतलब श्योर है, होके रहेगा, सर्टेन का मतलब है डेफिनेट, कॉशन देना मतलब चेतावनी देना, डाउटफुल तो इसका एंटोनिम। डिग्रेडेशन, सो के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, सो के साथ एडवर्ब भी आ सकता है। डिग्रेडेशन, डिग्रेड कोई भी चीज डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। हैजार्ड का मतलब है खतरा, और पॉल्यूशन तो प्रदूषण।
क्या था बेनेवलेंट वर्ड का आप सिनोनिम बताना, बेनेवलेंट का सिनोनिम बताना है। सोबर लोग होते हैं ना, जो सोबर लोग होते हैं बहुत सीरियस, ठीक है, बहुत फॉर्मल सीरियस लोग होते हैं। सॉम्बर, उसको इडली सांबर नहीं मिला बेचारा दुखी है। नम्ब का मतलब है एकदम शून्य हो जाना, कोई भी चीज़ नम्ब पड़ जाना, एकदम वीकेंड हो जाना। तो बेनेवोलेंट का मतलब है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, वेरी जेनरस, वेरी पोलाइट, वेरी काइंड, काइंड होता, दयालु। ही इज वेरी डैश ईगर, एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत ईगर है। अभी तक सारे वर्ड्स आपको पढ़ा हुआ है, जो आप लोग हल्ला हंगामा करते हो ना, नया वर्ड आया था, नया वर्ड आया था, कुछ भी नया नहीं आया। ईगर होना मतलब किसी चीज को लेकर इच्छुक होना। डूबियस का मतलब है डाउटफुल। इरक्सम का मतलब होता है किसी चीज को लेकर चिड़ा हुआ, गुस्सा होना। और अनकंसर्न तो उदासीन। आप लोगों में से किसी न किसी के सेट में ये सब आया ही हो। टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, डल, थका देने वाला। उसीलिए बोलती हूँ ना, बार बार रिविजन भी करोगे वो क्या आपका काम हो जाएगा, डल, बोरिंग, थका देने वाला। और होलसम का मतलब हेल्दी होता है। आपके एग्जाम में ना होलसम दे के ऐसा भी दे सकते हैं, देखा है मैंने प्रीवियस पेपर में। होलसम का मतलब टोटल दे देंगे या कंप्लीट दे देंगे, और एक ऑप्शन में दे देंगे हेल्दी, ये होलसम फूड है। तो आपको लगेगा होलसम का मतलब होता है पूरा टोटल, नहीं, होलसम का मतलब हेल्दी है। वेंडेटा, कीन और स्कार्सिटी और काम आया था, सब बना दिया, बहुत अच्छी बात है। इस बार बहुत सारे बच्चे ला के दिए हैं 50 में 50। चलो 50 में 50 ले आया, अब तो मेंस में लाके दिखाओ। 135 out of 130। वेंडेटा, वन, वन में देवता को, वन के देवता को, वन ऐसा मैंने रटवाया था, वन के देवता को छेड़छाड़ करोगे तो वो आपसे बदला लेंगे। वेंडेटा मतलब डिसएग्रीमेंट, रिवेंज, बदला। डायलेमा, दुविधा में पैशन, आपका जुनून, वैसिलेट करना, अनस्टेबल। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, अतुल्य, अडामेंट। आपको आज शीट मिल जाएगा, कल जो मैंने पढ़ाया था ना उसका शीट टेलीग्राम पे डाल दिया है, आज भी डाल दूं। अडामेंट, अड़ा हुआ मैन, अड़ा हुआ, अड़ा, अडामेंट का मतलब होता है बहुत जिद्दी। जिद्दी के तो कितने सिनोनिम्स करवाए, स्टबर्न, स्टबर्न। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब है असली, जेन्युइन। ट्रेचरस, ट्रेचरस वर्ड भी आपने किया है, ट्रेचरी, ट्रेचरस का मतलब है गद्दार, ट्रेचरस का मतलब है गद्दार, रेनिगेट, डिसलॉयल, बहुत सारा करवाया है ना, इनफिडल, गद्दार। तो गद्दार का उल्टा क्या होगा, मतलब गद्दार का सिनोनिम डिसलॉयल। डिवोटेड मतलब किसी चीज के लिए समर्पित होना। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी। अच्छा, रावण से मैंने आपको हाल फिलहाल में रावण से दो वर्ड सिखाया था, क्या है रावण, रावण। एक तो मैंने क्रेवन करवाया था, क्रेवन में भी रावण आता है, रावण वॉज वेरी कॉवर्डली, रावण बहुत डरपोक था, और एक रावण वॉज वेरी हंगरी, रावनस का मतलब है हंगरी, डिसलॉयल हो। हाँ, सेवर करना, ये मैंने राम जी का वर्ड सिखाया है, राम जी, मैंने आपको राम जी के दो चार वर्ड सिखाए हैं। रैमिफिकेशन का मतलब है रिजल्ट। एक रैमिफाई भी हाल फिलहाल में किया था, रैमिफाई करना, राम जी और सीता जी अलग हो गए, रैमिफाई करना मतलब सेपरेट करना, ठीक है, रैमिफाई का मतलब है डिवाइड करना, सेपरेट करना, ये सिवियर नहीं है, ठीक है। एक वर्ड होता है सिवियर, सीवियर एडजेक्टिव है, सीवियर का मतलब होता है सीरियस, ये वर्ड किया। ये सेवर करना मतलब दो पार्ट में काटना, डिवाइड करना, ठीक है, टू सेवर, कट करना, डिवाइड करना, दो हिस्सों में सेपरेट करना, बांटना, बाइंड करना तो जोड़ना, सीवियर नहीं है ये, सेवर, ये वर्ब है, यहाँ पे टू के साथ V1 वर्ब है। हाँ, स्कैम, स्कैम तो सुना है, इतने सारे इंडिया में स्कैम हुए हैं, घोटाला हुआ है, बहुत सारे चारा घोटाला और क्या क्या घोटाला सब है ना। स्कैम, घोटाला, घोटाला का क्या बोलोगे, स्विंडल, स्विंडल का मतलब भी होता है धोखा देना, घोटाला, धोखा। एपैथी, ये यूट्यूब पे एपैथी नहीं किया, एपैथी, पैथी का मतलब है फीलिंग,
और अ का मतलब है नो फीलिंग, किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, उदासीन हो, अपैथी इज उदासीन। ये अवर्जन और का मतलब नफरत, और हॉस्टिलिटी का मतलब भी नफरत एंड ऑल है, तो ये हो गए इनडिफरेंट। डिलीजेंट, ये डिलीजेंट का दो मतलब होता है, अब देख लो आपके ऑप्शन में क्या है। एक डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, और एक डिलीजेंट का मतलब होता है वेरी केयरफुल। डिलीजेंट का मतलब कहीं भी वफादार नहीं होता है, ठीक है, ये पर्सन बहुत केयरफुल है, बहुत मेहनती है, और मेहनती लोग ही तो केयरफुल होते हैं ना, तो डिलीजेंट का कहीं से भी फेथफुल मत करना, केयरफुल, और स्पाइटफुल तो दूसरे के लिए जहर रखना। अच्छा, बच्चे हमारे बोल रहे हैं मैम ये मेरे शीट में था, केयरफुल, डिलीजेंट का मतलब है केयरफुल। टिमिरिटी, कल मैंने आपको टिमिरिटी वर्ड करवाया था, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक वर्ड है टिमिडिटी, कल मैं आपको बता रही थी, इससे मत कंफ्यूज होना, ये टिमिडिटी का मतलब है कायरता, ठीक है। अब देखो जब लोग बोल्ड होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना, जरूर एक होता है साहस, साहस करना अच्छी बात है, बट दुस्साहस इज ए नेगेटिव वर्ड। दुस्साहस करना मतलब जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए ना, आप बोल रहे हो, तो दुस्साहस थोड़ा रूडनेस के सेंस में जाता है। तो ये जो टिमेरिटी है ना, ये बोल्ड है बट ये नेगेटिव सेंस में, आप बोल्डनेस में दुस्साहस दिखा रहे हो, और दुस्साहस में थोड़ा सा आप रूखा स्वभाव दिखाना, ठीक है। इम्प्यूडेंट होना, इम्प्यूडेंट का मतलब भी होता है बहुत रूड, रूड लोग होते हैं, और टीडियस तो थका देने वाला, और टैसिटन लोग जो बहुत साइलेंट है, कम बोलते। वल्नरेबल, वल्नरेबल भी किया है, इस बार सीएचएसएल में भी पैरा जंबल्स बहुत पूछ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ट्रेलर मिल गया है कि पैरा जंबल्स इस बार मेंस में भी बहुत अच्छा आने वाला है। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, उसके नंबर ज्यादा नंबर्स के आ रहे पैरा। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत रिस्क में है, आसानी से प्रभावित हो जाए। इमर्स, चलो बताओ, इमर्स, इमर्स कर जाना मतलब एकदम डूब जाना, किसी चीज में विलीन हो जाना, किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना। शी लुक्ड ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब है बहुत ब्राइट, डायमंड नेकलेस में ना बहुत ब्राइट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। ट्रांजिडेंट का मतलब होता है ना जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से बाहर, ओके, हमारी रेंज से बाहर। स्प्लेंडेंट का मतलब भी है बहुत भड़कीला, ब्राइट, और स्ट्रेंडेंट का मतलब होता है बहुत लाउड नॉइज, और एक स्ट्रेंडेंट का मतलब स्ट्रिक्ट भी होता है, बहुत स्ट्रिक्ट लोग को भी बोलते। इम्प्यूडेंट तो रूड है। वास्ट, वास्ट का मतलब होता है बहुत फैला हुआ, वास्ट है, एक्सटेंसिव है, ओके, बहुत वास्ट, ह्यूज, फैला हुआ है, कोई भी फील्ड्स, वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पे कोई भी चीज फैला हो। डिलाइट, 30-40 जल्दी जल्दी करते हैं, डिलाइट, चलो आंसर, जहां मेरे को थोड़ा सा रुकना है मैं रुकूंगी, विथ अनमिक्स डिलाइट, 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 डिलाइट करना, खुशी मनाना, और डिस में उसकी 10 मील जमीन चली गई, ये तो दुखी है, ये तो होगा, और डिलाइट खुशी मनाना, मेमोरी और इमोशन थोड़ी होगा। एनचैंटेड, एनचैंट करने का मतलब ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत डिलाइटेड है, एनचैंट, एनचैंट। जीनियल, हाँ बच्चा जीनियल है, जीनियल का मतलब है बहुत जिंदा दिल लोग, बहुत लाइवली जिंदा दिल लोग होते हैं, विवाशियस कर चुके हैं उस, जिंदा दिल, विवाशियस, चीयरफुल। ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा अलग हो गया, आशावादी, और ये तो सैड है। एब्जॉर्ब्ड, कोई भी चीज में पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है। जहां जहां मेरे को रुकना चाहिए और मुझे लग रहा है कि कहाँ गलत कर सकते हो, हाँ, पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है, पूरा पेपर मतलब जो कोई चीज है ना, पूरा सोख लिया, एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड। और प्री ऑक्यूपाइड नहीं होगा, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब है वरीड होना, चिंतित होना किसी चीज को लेकर। ऑक्यूपाई का मतलब होता है आप ऑक्यूपाइड हो, मतलब किसी भी चीज को बुरी तरह, मतलब पूरी तरह से बिजी हो, बट प्री ऑक्यूपाइड जब इसमें प्री लग गया ना, किसी चीज को लेकर बार बार चिंतित होना।
जार्गन ये भी पढ़ाया, ये तो मैं अक्सर ये वर्ड यूज करती हूँ जब भी मैंने ऐसा बताती हूँ ना। देखो हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी, बट हैंग एक जार्गन वर्ड है। जार्गन वर्ड मतलब उस क्षेत्र में उसका मीनिंग अलग है, जैसे मेडिकल में बोलते हैं ना, या टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में अगर सिस्टम हैंग हो रहा है तो फांसी पे थोड़ी जा रहा है, सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। तो जार्गन लैंग्वेज स्लैंग लैंग्वेज होता है जिसे एवरीडे स्पीच में हम यूज करते हैं। फियर्स, फियर्स का मतलब है बहुत भयावह। फ्रॉड का मतलब तो फॉल्स। फैनेटिक लोग माइनिया होते हैं, सन सन की टाइप वाले पर्सन। और जेंटल तो बहुत पोलाइट। मिस एंथ्रोप, मिस लगा है इसका मतलब है, मिस नेगेटिव वर्ड है, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जो ह्यूमन बीइंग को पसंद नहीं करते हैं। सोशियबल तो सामाजिक लोग हैं, ह्यूमन बीइंग को पसंद करते हैं। फिलैंथ्रोपिक तो जो पसंद करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन इज मानवता है। एंटी सोशल, एंटी सोशल। एजुकेशन, अच्छा आ गया हमारे सीटैट और वो सब वाले जो बच्चे हैं ना सीटैट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका तो एक सब्जेक्ट ही होता है। पैडागॉजी, पैडागॉजी का मतलब भी है एजुकेशन। ये तो पढ़ता है, पैडागॉजी इज एजुकेशन। माइथोलॉजी इज पौराणिक कथाएं एंड ऑल। चीयर, चेयर करना, क्रिकेटर ने ना, क्राउड क्रिकेटर को चेयर कर रहे थे, किसी को चेयर कर रहे हो मतलब एनकरेज कर रहे हो। जेन्युइन है, बच्चा जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब असली, और ये सारे नकली है, फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत नकली। ट्रांसग्रेशन, और 50, आधे घंटे में 50 वर्ड्स कर लिया और आधे घंटे में 100 हो जाएगा। अन अकेडमी का प्राइस ड्रॉप हुआ है, इन्होंने क्या किया है ना, जबरदस्त प्राइस कम किया है, तो जो बच्चे एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं वो ले सकते हैं। इनका प्राइस ड्रॉप हुआ है, फीस कम कर दिया है, इतने सारे बैचेस आ रहे हैं, साथ में मेंस का भी तैयारी करने के लिए बच्चे आएंगे, ही प्री का रिजल्ट आ गया। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है ना उल्लंघन करना, वॉयलेशन करना, किसी के राज्य में बिना परमिशन के घुसना। नहीं, मेटामॉर्फिसिस नहीं होगा, मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है चेंज। इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, वॉयलेशन, वॉयलेशन नोट कर लीजिएगा। मिटिगेशन, मिटिगेट वर्ड करवाया है, जल्दी जल्दी, कल मैंने वॉल्यूशन भी करवाया। वॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी काम अपनी स्वेच्छा से करना, बट ये वॉयलेशन अलग। मिटिगेट करना, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना। कॉम्प्रिहेंसिव, यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत डिटेल में, इलेबोरेट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्लियर नहीं होगा। अच्छा हाँ, हमारा स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे भी कंफ्यूज, हाँ ये वाला शायद मेरे पास आया था, और उसने बोला था कि मैम आपने तो कॉम्प्रिहेंसिबल का क्लियर बताया था। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव का थोड़ी बताया था, कॉम्प्रिहेंसिबल का बताया था। कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पूछा जाता, पैसेज किस लिए पूछा जाता था कि आपका पैसेज को लेकर आपका नॉलेज कितना क्लियर है, तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्लियर होता है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल कंप्लीट, मत होना कंफ्यूज। बैचेस के बारे में ऑनेस्टली बताना, किसी को कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे मैसेज करिए, कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज करिए 9958358324, इस पे मैसेज करिए। कॉम्प्रिहेंसिबल से कंफ्यूज हो गए थे बच्चे हमारे। ऑनेस्टली, कोई भी चीज़ को बहुत ऑनेस्टली, ऑनेस्टली एकदम सिंसियरली दिल से कर रहे हैं। एम्बिगुअस तो डाउटफुल हो, कहाँ गया अब। डेंजरस का सिनोनिम बता बता देना, डेंजरस है, अरे रिस्की है। अनाउंस करना, अनाउंस करना। एस्ट्रेंज का भी मतलब बताया है, एस्ट्रेंज, तुमने तो मुझे स्ट्रेंजर बना दिया, अजनबी बना दिया। एस्ट्रेंज करना मतलब सेपरेट करना, अलग कर देना। अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, कोई भी चीज की घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, ठीक है, एवर करना, डिक्लेयर करना। ये तो मैं पिछले 5 दिन में ना, पिछले 10 दिन में इस वर्ड को 5 बार तो बोल ही दिया होगा मैंने,
एग्री करेंगे, एग्री करेंगे तो ऐसे कर देना कि मैम आपने तो कितनी बार बताया, एक क्रूकेट का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी चीज़ ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड है नॉट स्ट्रेट, कोई भी चीज़ टेढ़ा मेढ़ा है स्ट्रेट है। और एक क्रूकेट पर्सन है मतलब, एक क्रूकेट पर्सन का मतलब है बहुत बदमाश, दुष्ट, बदमाश, करप्ट। टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति तो दुष्ट, बदमाश, करप्ट ही होता है, तो ट्विस्टेड। आशीर्वाद दे दिया जिसका भी CHSL का एग्जाम है। एनर्वेटेड, अब हमारा बच्चा देखेगा एनर्वेटेड देख के, ये भी बताया हमने, एनर्वेट, एनर्वेट देख के ना वो एनर्जी से जोड़ेगा, एनर्वेट मतलब पूरी एनर्जी के साथ नहीं, एनर्वेट का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड है, बहुत कमजोर, थका हुआ, जेडेड, टायर्ड, कहाँ गया, वीकेंड, वीकेंड। एग्जूबरेंस, उबर का ड्राइवर, उबर 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 और ओला वाले ड्राइवर एकदम एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एब्यूलियंट होते हैं, ऐसा बताया है ना, रेड रेड बुल पीने के बाद एनर्जी आ जाती है, वाइब्रेंट होते हैं, बहुत जिंदा दिल, स्टॉन्च, जैसे आप बोलोगे आई एम अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ APJ कलाम, अब्दुल कलाम, या आई एम अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ गांधी जी, किसी चीज के बहुत स्टॉन्च मतलब एकदम कट्टर, कट्टर फॉलोअर है। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, एकदम फर्म, एकदम कट्टर, केयरलेस नहीं होगा, रेजिल्यूट, रेजोल्यूशन लेते हो ना 1 जनवरी को, कल से मैं सुबह 6 बजे उठ के ही पढ़ूंगा, शपथ लेना, रेजिल्यूट का मतलब भी एकदम दृढ़ फर्म। स्पूरियस, नकली पूड़ी खाने के बाद पेट खराब हो गया उसका, फॉल्स। कर्टेल करना, मैंने आपको कट बताया, जो भी मैं साइड में बताते जाती हूँ काइंडली लिख लीजिए, एक कट बताया था, कट करना मतलब कटौती करना, और एक कट व्यक्ति बहुत रूड भी होते हैं, रूखे स्वभाव वाले को भी कट बोल, कटेल करना कम करना, कम कम, ये क्या पूछा है इन्होंने, जरूर एंटेनिम्स पूछा होगा, इन्होंने ना डाला नहीं है, जरूर एंटेनिम्स पूछा होगा, ठीक है, अब यहाँ से पता नहीं क्या है, ये सिनोनिम है, इसने डाला नहीं, जरूर एंटेनिम पूछा होगा, कर्टेल करने का है एंटेनिम, एंटेनिम इंक्रीज करना, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। इंसेनुएट करना मतलब हिंट करना, इनेट मतलब इंटरनल क्वालिटीज जो आपको जन्म से मिला, और इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होना, ओके। कर्टेल करना, इसका सिनोनिम्स तो डिक्रीज करना होगा ना, एंटेनिम पूछा था, एंटेनिम डिक्रीज, एंटेनिम ही है, ये सब ना एंटेनिम्स है, उन्होंने डाला नहीं है, ठीक है। एंटेनिम्स, डिरिजन का मतलब होता है नफरत, और नफरत यहां से एंटेनिम आ गया, उन्होंने ऊपर का नहीं डाला, लिख लेना लिख लेना, लिखते जाना, मैं बोलूंगी वो लिखा नहीं है। एडमिरेशन, पसंद करना। द एम्परर वॉज कंसिडर्ड अ विकेड, विकेड का मतलब है बहुत दुष्ट, वाइल का मतलब भी दुष्ट, बदमाश, हार्मफुल, सैवेज का मतलब भी असभ्य, तो विकेट का मत उल्टा हो गया वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब है गुणवान, ओके, बहुत गुणी व्यक्ति है, वर्चुअस है। एंटेनिम्स करना है, ठीक है, अभी हम लोग एंटेनिम्स पे आ गए। गलीबल, गलीबल लोग सीधे साधे लोग होते हैं जो जल्दी किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं, और सिनिकल तो जल्दी किसी की बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे, ये एंटेनिम्स, ठीक है, एंटेनिम पे, एंटेनिम, डाउटफुल लोग होते हैं, सारे एंटेनिम्स है, ठीक है। इज देयर एनी वे टू रिडीम, रिडीम करना मतलब वापस, रिकवर कर लेना, कोई भी चीज वापस प्राप्त कर लेना, वापस प्राप्त कर लेने का उल्टा होगा जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त कर लेना, फॉरफीट, फॉरफीट का मतलब है कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, सीज कर लेना। डिप्लोर करना, इंसल्ट करना। इम्बेजल करना मतलब पैसों का गमन करना, और फोरसेक का मतलब है भगवान के लिए, बुक फॉर गॉड से त्याग दो, छोड़ दो, सारे सारे एंटेनिम्स हो गए, यहां से एंटेनिम्स है। जो भी इडियम्स और वन वर्ड की बात कर रहे हैं, ई बुक ले लीजिए, ई बुक ले लीजिए, एंटेनिम बताना, एंटेनिम। ल्यूसिड का मतलब होता है वेरी क्लियर, और क्लियर का एंटेनिम बताना है, कोई भी चीज बहुत क्लियर है, इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलिजेंट मतलब विद्वान, समझदार, इंटेलिजिबल इज क्लियर, एंटेनिम बताना। एम्बिगुअस, इसका मतलब भी क्लियर,
ऑर्डरली है, क्लियर है, एंटेनिम अनक्लियर, यही होगा। अब हम लोग एंटेनिम्स पे आ, पेट्रियॉट, एंटेनिम्स, पेट्रियॉट लोग कौन होते? देशभक्त, देशभक्त ये भी ड्यूटीफुल है, देशभक्त है। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, ये भी देशभक्त है, और ये तो गद्दार। इंडोलेंट, हिलडोल नहीं रहा है, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी, आलसी, स्लगिश, आलसी, आलसी, और ये तो एक्टिव, एंटेनिम, एंटेनिम। एट अ डिसएडवांटेज, डिस, सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है, नो डाउट। आज मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी करना है, पढ़ के नहीं चले जाना है ऐसे। पावर्ड नहीं होगा, डिसएडवांटेज है, और ये तो पावर्ड थोड़ी है, प्रिविलेज। जैसे बोलते हैं ना कि अरे बहुत लोग ना प्रिविलेज्ड होते हैं, प्रिविलेज चाइल्ड, उनको पहले से ही सारी सुख सुविधाएं मिली होती है, उन्होंने स्ट्रगल नहीं करना है। प्रिविलेज का मतलब है, प्रिविलेज मतलब आपको ये एडवांटेज पहले से मिला। एक क्वेश्चन में मैंने सिनोनिम बता दिया है, कौन से क्वेश्चन में? इंडोलेंट इज आलसी, हाँ, पेट्रियोट इज इसका गद्दार हो गया, ल्यूसिड का मतलब क्लियर। अच्छा, आज आप सॉरी कवर, किस क्वेश्चन में बताया है? एक क्वेश्चन मत बोलो, कौन से क्वेश्चन में मैंने सिनोनिम बता दिया? विकेट का मतलब है दुष्ट, और ये तो ये, डिरिजन का मतलब है नफरत करना, कौन सा क्वेश्चन? ये बताइए, कौन से क्वेश्चन में मैंने सिनोनिम बता दिया है? क्वेश्चन नंबर बताना है ना, चलो आप समझ गए हो ना। एंटोनिम्स यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया, वहां पे नहीं लिखा था। प्रिविलेज चाइल्ड है मतलब इसको प्रेरोगेटिव एडवांटेज मिला है। अब बताओ, एंटोनिम फिर से आ गया, ट्रेटर का मतलब है गद्दार, गद्दार का क्या होगा? गद्दार, ये भी गद्दार है, गद्दार का उल्टा ईमानदार नहीं होगा। ईमानदार होना और वफादार होना दोनों में डिफरेंस है। ईमानदार का यहाँ हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ये गद्दार लोग है और ये लॉयल है, फेथफुल है। करप्ट लोग, करप्ट का उल्टा ऑनेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट, स्कैटर्ड, कोई भी चीज पूरी तरह से स्कैटर्ड है, एंटेनिम बताना है, ठीक है? स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ है, स्प्रिंकल का मतलब भी छिड़कना, पेरिश्ड का मतलब है धीरे धीरे डाई होना, डीके होना, कोई भी चीज धीरे धीरे डिकम्पोज हो, बिखरा हुआ है, बिखेरने का उल्टा है समेटना, एंटेनिम, एंटेनिम। वैक्स, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा, ये वाला मैंने नहीं बताया, आपको याद होगा मैंने आपको क्रिसेंडो पढ़ाया है, ये आया था 2017 में शायद। क्रिसेंडो मून होता है इंक्रीज, जैसे मून का साइज है ना, पहले छोटा, फिर राउंड, फिर पूरा राउंड हो जाता है, साइज बढ़ते जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून, ठीक है? धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, एस्केलेट कर रहा है, ठीक है? और वेनिंग का मतलब है साइज छोटा होना, तो वेन का मतलब है डिक्रीज होना, और वैक्स वैक्स का मतलब है इंक्रीज होना, वैक्स एंड वेन। हाँ, लड़कियां याद रखेंगी, वैक्सिंग करवाने जाते हो ना, जब आपका हेयर ग्रोथ, हाथ का हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जाके वैक्सिंग करवाते हो, और फिर ये वैक्स करना, इंक्रीज करना, और ये डिक्रीज। वेन का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे कम होना, और वेल करना इज विलाप करना, लमेंट करना, और केन का मतलब, तो केन पतली वाली छड़ी पीटना उसे। अरे अन अकेडमी वाले ना हर जगह मेरा फोटो लगा देते हैं, मैंने बोला कि क्यों लगाया है मेरा फोटो, हर जगह वो लगा देते हैं। मैम, अन अकेडमी पे जो एनालिसिस चल रहा है ना, वहाँ आपका भी फोटो लगा हुआ है, बट आप कहीं दिख नहीं रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ, काम की चीज़ कर रही हूँ। नोशन, नोशन का मतलब होता है किसी चीज को लेके आपका नजरिया, किसी चीज को लेके आपका एक आइडिया है, आपका नजरिया है, आपने एक नजरिया बनाया है किसी चीज को लेके, और ये तो असलियत है, एंटोनिम इज असलियत। मुझे खुद नहीं होता है कि वो रात को 11-12 बजे सब समय मेरी बैच चलाते रहते हैं, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, और बच्चे ना मुझे वाह वाही देते हैं,
थैंक यू मैम, आप 11 बजे भी हमें पढ़ा रहे हो, आप कितने मेहनती हो। 11 बजे वाला बैच ना वो रिकॉर्डेड है, मैं लाइव नहीं आ रही, चला देते हैं। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जीत जीत का मतलब है विक्ट्री, और विक्ट्री का उल्टा हो गया हार। हार ऑब्ट्यूज, मैंने आपको बताया अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट ऐसे बोलते हैं ना, अक्यूट एंगल ट्रायंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है, अक्यूट है मतलब बच्चा बहुत शार्प है, और ये तो बच्चा ऑप्टियूज है। एक अक्यूट का मतलब होता है शार्प तीव्र, और बच्चा ऑप्टियूज है मतलब मंद बुद्धि है, वैक्यूस है, वैक्यूम है, इसका दिमाग खाली पड़ा है, मंद बुद्धि है। नॉन इन कहाँ चला गया मंद बुद्धि, ये ऑप्टियूज इज मंद बुद्धि का उल्टा हो गया एस्ट्यूट। एस्ट्यूट लोग बहुत शार्प होते हैं, चलाक, क्लेवर, शार्प। बेनाइल इज पुराना, घिसा पिटा, डल। ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग। ऑब्सोलीट मतलब डिलीट करो, ऑब्सोलीट का मतलब है जो चीज आउटडेटेड हो गया, अब यूज में नहीं है। फिल्दी, फिल्दी बच्चों का आप देख रहे हो, इसी से टीचर की एनर्जी लेवल और टीचर का मनोबल हाई रहता है। बच्चा खुद कमेंट कर रहा है कि मैम पिछले साल प्री में मेरा इंग्लिश में 11 था, और मेरा इंग्लिश में अब कितना बताया था, कुछ 40+ बताया था, 40 या 45 याद नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा तारीफ ले लूँ, मेरी वजह से तुम्हारा 11 से 40 हुआ है। मैं सैल्यूट करती हूँ उस बच्चे की मेहनत और डेडिकेशन को जो 11 नंबर से लेके 40+ पे पहुँचा है। तो ये सारा बच्चे का हार्डवर्क है, उसको पता है उसको कैसे पढ़ना है। टीचर तो आके कॉन्टेंट देंगे, उस कॉन्टेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे रिवाइज करना है। फिल्दी का मतलब होता है बहुत गंदा, डर्टी, डर्टी का क्लीन। बैरन का मतलब होता है बंजर। डिग्निफाइड का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। इंटीग्रल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, जिसको अलग नहीं किया जा सकते है, आपके लाइफ का एक जुड़ा हुआ इंटीग्रल हिस्सा। आंसर स्क्रीन। सोफेस्टिकेटेड हो सकता है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। YouTube से तो बच्चों का सिलेक्शन है, अभी तो परसों हम लोग का मीटअप है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे YouTube बच्चे मिलेंगे। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है ना बहुत सोफेस्टिकेटेड, मतलब बहुत एडवांस्ड। एक तो सोफेस्टिकेटेड लोग जो होते हैं छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखते हैं, और एक सोफेस्टिकेटेड टूल्स, बहुत सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत एडवांस्ड। एडवांस का एडवांस मॉडर्न, तो ये तो प्रिमिटिव हो गया। एफर्वेसेंट, एफर्वेसेंट लोग बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, ठीक है, बहुत बबली, जिंदा दिल। बट हमें एंटेनिम बताना। सबड्यूड, सबड्यूड लोग रहते हैं ना, दबे दबे लोग, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा लो स्पिरिटेड, जिनका मनोबल सबड्यूड है, दबे मनोबल हमेशा लो रहता है। केयर फ्री का मतलब तो मनमौजी हो गया। अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल है मतलब ईजफुल है, ईजी है, कम्फर्टेबल है, फील एट ईज, कम्फर्टेबल। ऑकवर्ड का मतलब होता है बहुत क्लमजी, विचित्र, बेढंगा। एलोक्वेंट, हाँ, ये एलोक्वेंट का दो मतलब जाता है। एक एलोक्वेंट का मतलब है स्पष्ट, एलोक्वेंट स्पीच होता है ना, एलोक्वेंट स्पीच का मतलब है जिसकी स्पीच बहुत फ्लुएंट है, जो बहुत क्लियर है, जो बहुत आर्टिक्यूलेट है, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन में नहीं डाला। और जिनकी स्पीच, जिनके भाषण जो जो बहुत बहुत स्पष्ट, क्लियर, फ्लुएंट बोलते हैं ना, तो उनका स्पीच हमेशा पावरफुल होता है। पावरफुल, प्रभावशाली स्पीच कौन सा होता है, जो बहुत फ्लुएंट, क्लियर रहता है। तो इसका उल्टा होगा है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब है पावरफुल नहीं है, हम्बल का मतलब है विनम्र, और क्रूशियल तो इम्पोर्टेंट। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब है इंसल्ट करना, इंसल्ट करने का उल्टा है सम्मान करना। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब है कंजूस, कंजूस का उल्टा है खर्चीला। स्पीड में डाइवर्ज, आपने वो सब पढ़ा होगा ना, लाइट लाइट या कोई भी सारे रेज एक जगह कन्वर्ज हो रहे, कन्वर्ज मतलब चारों तरफ से एक मतलब चारों तरफ से एक जगह पे मिल रहा है। कन्वर्ज होना मतलब एक ही जगह मिलना, कन्वर्ज। और डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब डाइवर्ट होना, डाइवर्ट होना इसका उल्टा है कि कोई चीजें एक जगह पे है और चारों तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा हो। लोनली, लोनली का मतलब है अकेला।
आइसोलेटेड, अकेला, रिमोट नहीं होगा, रिमोट का मतलब है वेरी फार, दूर दराज के एरियाज, रिमोट का मतलब फार हो गया, दूर, लोनली तो अकेला हो गया, आइसोलेटेड है, एम्प्टी नहीं, आइसोलेटेड। शेल्डम, शेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, ना के बराबर, और ये भी कभी कभाल, कभी कभाल, कभी कभार, ये तो हमेशा, फ्रीक्वेंटली। प्लाइट, प्लाइट भी आप कर चुके हो, हम लोग एंटोनिम कर रहे हैं ना, अरे क्या किया, एंटोनिम ही कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ यहाँ मैंने सिनोनिम्स कर दिया था। हाँ तो बताओ क्या होगा, लोनली का मतलब है अकेला, अकेला का मतलब है भीड़ भाड़, आई एम सॉरी, क्राउडेड होगा, मैंने एंटोनिम की जगह सिनोनिम कर दिया। शेल्डम सही किया है ना, हाँ शेल्डम तो सही किया है। प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुख दर्द सफरिंग, द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, दुख दर्द सफरिंग, दुविधा में होना, समझ में नहीं आना क्या होना, ये कल ये वर्ड किया था ना, क्वांड्री का मतलब भी दुविधा, सिनोनिम, डिलेमा दुविधा, सिनोनिम, प्री दी का प्री नहीं निकला दुविधा में, और ये तो फायदे में। ब्लूमिंग, ब्लूम का मतलब है फूलना फलना, स्प्राउट होना, फूलना फलना, और ये तो धीरे धीरे फेड होना। हैवी, हैवी का उल्टा हो गया लाइट, बहुत हल्का। काम डाउन, काम डाउन का मतलब है किसी को शांत करना, और शांत करने का उल्टा होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, नहीं करती ना तो वो हो नहीं पाएगा। डेलीगेट, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा रुकूंगी, चलो डेलीगेट करना, काम को डेलीगेट करते हैं, या कंपनी अपने या कंट्री अपने डेलीगेट्स को भेजते हैं दूसरी जगह। सेशंस को लाइक भी कर लेना है, आप डेलीगेट्स करना मतलब बांटना, अपॉइंट करना, या चीजों को बांटना, ट्रांसफर करना, जैसे मैं कहीं नहीं जा, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने डेलीगेट्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। डेलीगेट करना इज डिप्यूट करना, नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, और ये तो रिटेन करना, रहने देना, चलते रहने देना, कुछ नया नहीं करना। अथॉरिटी को भी हम ट्रांसफर करते हैं, रिटेन होगा, ट्रांसफर नहीं करना, रिटेन कर लेना, रहने देना। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, टेम्परेरी, और टेम्परेरी का उल्टा हो गया परमानेंट, और फ्लीटिंग का मतलब भी हो गया टेम्परेरी, ये इसका सिनोनिम है, बट हमें तो एंटोनिम करना है ना, एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, इनेट, इनेट इनेट, पिछले 15 दिन में 20 करोड़ बार ये वर्ड हो गया। इनेट क्वालिटीज मतलब आपके इंटरनल क्वालिटीज, जो आपको जन्म से आपके अंदर है, इनहेरेंट है, एमानेंट है, इनबॉर्न है, इनवर्बिब्रेट नहीं है, इनवर्टिरेट है, जो आपके अंदर क्वालिटीज पहले से आपको जन्म से मिला है, इनग्रेन, कंजेनाइटल, बाय बर्थ आपके पास कोई चीज़ है, तो आपके पास कोई, आपके नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, और ये तो आपने सीखा है, ठीक है, आपको ये क्वालिटीज़ भगवान ने नहीं दिया है, इनेट का मतलब तो भगवान ने दिया है, बाय बर्थ आपके पास है, बट ये तो आपने सीखा है, अक्वायर किया, अक्वायर अक्वायर। अक्वेटिक का मतलब है वाटर से रिलेटेड है, अक्वेटिक एनिमल, और रिप्लीट का मतलब है फुल ऑफ, रिप्लीट का मतलब है फिल्ड विथ, भरा हुआ, डिप्लीट का मतलब है कम होना। एब्जर्ड, एब्जर्ड है, एब्जर्ड का मतलब है बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, ईरी वर्ड भी किया है ए टू जेड वो कैब में, बहुत विचित्र सिनोनिम, ऑड का मतलब विचित्र, ऑर्डिनरी भी मतलब बहुत कोई नहीं, और ये तो रियलिस्टिक, बहुत विचित्र है, एबनॉर्मल है, नहीं, एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, अरे यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, बहुत विचित्र है, और ये तो रियलिस्टिक है, गड़बड़ कैसे कर दिया, बहुत रियल, द पिक्चर के लिए देखो, द पिक्चर इज वर्थ सीइंग, ठीक है, बट दिस इज अ डैश पीस ऑफ आर्ट।
क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन कैंडल को छुपा के रखिए, चोरी छुपे काम करना, सीक्रेटिव, ये तो पढ़ाया है, प्राइवेट भी सीक्रेटिव, स्नीकी भी चोरी छुपे, इलिसिट भी इलीगल काम करते हो चोरी छुपे, और ये तो नो। रैंडम, रैंडमली का मतलब है अनप्लान्ड, रैंडम का मतलब है बिना प्लानिंग के, और ये तो प्लान करके सिस्टमेटिकली। ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक का मतलब है जल्दी जल्दी वॉक करना, क्विक, क्विक का उल्टा स्लो। पार्शियल, एक पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, इनकम्प्लीट, और एक पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात करना, बायस्ड होना, पक्षपात करना, नेपोटिज्म करना, बायस का उल्टा अनबायस्ड। ट्रिवियल इश्यूज, जो हमारे नए बच्चे इस चैनल पे आए होंगे उन्हें यही लग रहा है ये टीचर तो बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है। ट्रिवियल का मतलब होता है वेरी तुच्छ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसका उल्टा, जो इंपॉर्टेंट होता है। अबेट करना, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प कर ताकि दुख दर्द कम हो जाए। लिसलेसनेस का मतलब होता है आलस, अपने आलस को कम करने के लिए ना वर्क पे चला गया। अबेट करना मतलब कम करना, सबसाइड कम करना, और इसका उल्टा हो गया इंक्रीज। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना किसी चीज, एक्सेप्ट का उल्टा है रिजेक्ट करना। अबैंडन करना, अबैंडन मतलब त्याग देना, त्याग देने का उल्टा क्या है, कीप करना, रहने देना। निफेरियस, निफेरियस वर्ड भी कई बार करवाया, निफेरियस का मतलब है दुष्ट, बदमाश, और उसका अच्छा परफिडियस इज गद्दार, ये भी गद्दार, इसका उल्टा हो गया वेरी पायस। एनबीएस का मतलब ईर्ष्यालु, पायस इज वेरी पवित्र। नया बैच आज से शुरू हो रहा है, अभी आपको पढ़ाने के बाद नया बैच में ही जाऊंगी, अगर आप उसका डेमो लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस बैच का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, अनअकैडमी के इंद्रधनुष चैनल पे, वहां आके डेमो ले सकते हो। और मंडे से मेंस का बैच शुरू हो रहा है, ट्यूसडे से समुद्र मंथन हो रहा है। कल वाले शीट में ना ओवर का आया था, ओवर का उल्टा अंडर, अब इन्होंने बोला चलो अवफ पूछ लेते, तो अवफ का उल्टा बिलो, ऐसा थोड़ी रखना चाहिए था, इनको ऐसा भी रखना चाहिए था, बिलो भी रखना चाहिए था, अंडर भी रखना चाहिए, तब तो बच्चा कंफ्यूज होता है ना। अवफ का उल्टा बिलो होता है, अंडर तो ओवर का उल्टा होता है। एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, ये अब जिसके पेपर में ये सब आ गया है, डिस्करेज। मेटिक्यूलस, मिट्टी का कलश, मिट्टी, मिट्टी का कलश है, उसको ध्यान से डील करना है, ध्यान से का उल्टा है केयरलेस, हम लोग अभी एंटनिम कर रहे हैं। स्लगिश का मतलब है आलसी, आलसी का एंटनिम एक्टिव। वी हैड डैश विजिटर्स ड्रॉपिंग बाय बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स, किस, हाँ अब बताओ कौन सा वर्ड फिट होगा, एंटनिम बताना है, एंटनिम, लेस का उल्टा बताना, लेस का उल्टा, लेस का मतलब है कम, और कम का उल्टा ज्यादा, अमटीन, पूरा टीन भरा हुआ है, टीम, अमटीन, टीन भरा हुआ, अबंडेंट। और हैंडफुल का मतलब, हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी भर, मुट्ठी भर का मतलब भी कम ही होता है, हैंडफुल नहीं होगा, अरे हैंडफुल का मतलब मत समझ लेना, अरे पूरा हाथ भरा हुआ, हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी भर लोग आए थे, मतलब कम कम। वॉयलेंट का मतलब है हिंसक, हिंसक इज वेरी पोलाइट। मिट्टी का कलश फिर आ गया, केयरफुल है कलश, मतलब केयरलेस है, नर्वस है बच्चा, एकदम नर्वस है, डर रहा है, हेजिटेंट है, नर्वस है, और बच्चा तो बोल्ड है, बहुत नर्वस नहीं है, वेरी बोल्ड है। एविडेंट, एविडेंट वर्ड को याद रखे, एविडेंस, एविडेंस का मतलब है सबूत, और सबूत से कोई भी चीज क्लियर करते हो, इट इज एविडेंट, ये क्लियर है, तो क्लियर का उल्टा क्या होगा, क्लियर का उल्टा क्लियर का उल्टा है हिडन, हिडन। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अबंडेंट, ज्यादा, कहाँ हिडन, हिडन, हिडन। हिंडर करना, जल्दी जल्दी जल्दी, हिंडर करना मतलब किसी चीज को बाधित करना, ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है, बाधित करना, किसी चीज को रोकना, बाधित करना, और ये तो एड करना, हेल्प करना, बाधा हटा के हेल्प करना, किसी काम को आसानी से होने देना,
फैसिलिटेट करना, मॉनिटर तो नियंत्रित करना। अनश्योर, आप अनश्योर है, मतलब उल्टा मैं श्योर हूं, मैं सर्टेन हूं। परसिवियरेंस एंटोनिम बताना, किसी चीज में परसिवियर करना मतलब पेशेंस रखना, लगे रहना, कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने का उल्टा क्या हो गया, चलो बताओ। एलोक्वेंस तो नहीं होगा हमें, हमें नेगेटिव, परसिवियरेंस पॉजिटिव वर्ड है ना, तो हमें इसका एंटेनिम चाहिए, तो एंटेनिम तो नेगेटिव वर्ड चाहिए। एलोक्वेंस का मतलब है जो स्पष्ट बोलता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। रेडीनेस भी पॉजिटिव है। बताओ, परसिवियर करना मतलब एकदम लगे रहना, और ये इररेजोल्यूट, रेजिल्यूट का मतलब है एकदम दृढ़ निश्चय से लगे रहना, और ये रेजोल्यूशन का मतलब है डिसकंटिन्यू करना, छोड़ देना। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब है बहुत विनम्र, और विनम्र का उल्टा हो गया घमंडी। अक्विट, अक्विट करना, दोष मुक्त करना, और ये तो कॉन्विक्ट, किसी को दोषी बना लेना, दोषी बना लेना। अराइवल, आगमन, आगमन का उल्टा डिपार्चर। मेसी, मेसी का मतलब है बहुत गंदा, और ये ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। डेफिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर है, क्लियर का उल्टा है वेग है। हेजी का मतलब अलग हो गया, हेजी तो थोड़ा सा धुंधला है। डेफिनेट है, डेफिनेट का उल्टा एकदम वेग है, अनसर्टेन। हेजी ना सिर्फ दृश्य के सेंस में, धुंधला देखने के सेंस में, बट डेफिनेट का मतलब है कोई भी चीज आप बहुत सर्टेन हो, और वेग तो अनसर्टेन। राउडी, राउडी का मतलब है शोर शराबा, कंट्रोल से बाहर, ये सब सिनोनिम, और ये तो कंट्रोल में। याद रखना है, यहाँ पे बच्चा हमारा कंफ्यूज हो सकता है, क्लियर का आ जाएगा आपका क्या था, वेग भी था और हेजी भी था, ठीक है, क्या था, क्लियर ही था ना, डेफिनेट था, क्लियर नहीं था, डेफिनेट। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब ना निश्चित होता है, एकदम डेफिनेट इज एकदम निश्चित है कोई भी चीज़, और हेजी का मतलब है लाइट कम है, धुंधला है, तो हेजी हमेशा देखने वाले सेंस में, बट ऐसा नहीं है कि डेफिनेट देखने के सेंस में। वेग होगा, वेग का मतलब है बहुत ज्यादा कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, अनसर्टेन। प्रोबेबली मतलब जिसके होने के चांसेस है, पॉसिबली, और ये तो डेफिनेटली होगा। एक्सपेंसिव, महंगा, महंगा का उल्टा सस्ता। लमेंट करना, लमेंट करना इज अफसोस जताना, अफसोस जताने का उल्टा है सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। यल करना, यल करना मतलब एकदम शाउट करना, तेज तेज बोलना, और ये तो विस्पर करना, विस्पर करना मतलब एकदम धीरे धीरे फुसफुसाहट। क्लियर, आप आ गया, क्लियर का उल्टा है अनक्लियर, ओपेक, आई थिंक 30 तक है शायद। वेटरन, ही इज अ वेटरन एक्टर। वेटरन का मतलब है बहुत लंबा एक्सपीरियंस, किसी क्षेत्र में आप बहुत एक्सपीरियंस हो, और ये तो नौसिखिया हो। ओह, वेन, वेन का मतलब है कोई भी चीज का धीरे धीरे डिक्रीज होना, और डिक्रीज होना धीरे धीरे कम होना, कम होने का उल्टा क्या है, ग्रो करना, ग्रो। आई वॉन्ट ना एक बार आपके ये सारे वर्ड्स आपकी नज़र से गुजर जाने चाहिए, ठीक है, सारे वर्ड्स आपकी नज़र से गुजरेगा तब शायद याद रखोगे। वोक का मतलब होता है फैशन में होना। वेन का मतलब, वेन देखो कितनी बार आ गया, वैक्स का मतलब है बढ़ना, और वेन का मतलब है कम होना। किसका एंटोनिम पूछा है, फेटिश, फेटिश वर्ड आपके एफ वाले में, आपके बुक जाएगा तो एफ वाले में मिल जाएगा आपको फेटिश। अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट आए थे हमारे कमेंट बॉक्स में थे, जिनका जिन्होंने अपना नाम फेटिश टाइप से रखा हुआ था, तो मैंने बोला फेटिश का मतलब क्या है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सनक, जुनून, किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन होना, जुनून होना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम में क्या है, सनक नहीं होना मतलब इनडिफरेंस, ना ना इनडिफरेंस मतलब कोई जुनून वुनून नहीं है, इनडिफरेंट एंटोनिम। स्वीट का, स्वीट मीठा, मीठा का कड़वा। डिशेबल्ड का मतलब है डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का साफ सुथरा। रेक्टिफाई करना मतलब, करेक्ट वर्ड बताया था ना, करेक्ट में भी रेक्ट है, रेक्टिफाई करना सुधार देना, सुधार देने का एक है खराब कर देना, चीजों को और भी ज्यादा एग्जैसरबेट, खराब कर देना, मॉडिफाई और ऑल्टर तो चेंज कर।
एंटेनिम, कंप्लायंट, कंप्लायंट लोग वो होते हैं। हाँ चलो बताओ, कंप्लायंट का उल्टा क्या होगा? द कंप्लायंट, अच्छा कंप्लायंट नहीं है, सॉरी कंप्लेन है, ओ सॉरी कंप्लायंट नहीं है, कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना और ये तारीफ करना। खत्म। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज जैसे आप कैमोफ्लेज वाला पैंट्स पहनते हैं, आर्मी वाला पैंट्स, ठीक है, ताकि फूल पत्तियों में छिप जाओ, फॉरेस्ट में आपको कोई ढूंढ ना पाए। कैमोफ्लेज करना छुपाना, छुपाने का उल्टा रिवील करना। हाँ ओह फाइनली वी हैव एंडेड, वेरी सक्सेसफुली हमने खत्म कर लिया, लेकिन टाइम लगा थोड़ा। चलो जल्दी से बता दूँ, अनअकैडमी का एक स्लाइड आया है, बहुत ज़बरदस्त ऑफर आया है, जो जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और जिसको आज बैच में एडमिशन लेना है, एक तो आप डेमो भी आके ले सकते हो अनअकैडमी के इंद्रधनुष में, वहाँ पे आ जाना। और जो मेंस में मन बना रहे हैं एडमिशन लेने का, या जिसको समुद्र मंथन का अलग से बैच चाहिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। आज से अनअकैडमी का प्राइस ड्रॉप शुरू हो रहा है। प्राइस ड्रॉप का मतलब है कि देख लो, 24 मंथ्स इसमें है, 12 मंथ्स पूरा ये सब देख लेना, ठीक है। आज से शुरू हो रहा है, इन्होंने अपना फी कम कर दिया है, ठीक है, 50% ऑफ हो गया है फिर से, 25% मेरी तरफ से, 25% एन अकेडमी की तरफ से, 50% ऑफ है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, आप एडमिशन्स ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। आज से ये ऑफर शुरू हो रहा है, 3 अगस्त कब ख़त्म हुआ है नहीं दिया है। अपने बैचेस के बारे में बता दूँ, हाईली अवेटेड बैच है हमारे मेंस के बच्चों का, हर साल मेंस का बैच तो आता ही है, और ज़बरदस्त वाला मेंस का बैच आता है। इसमें जी जान लगाना होता है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन चाहिए होता है ताकि हम मीटअप कर सकें। तो ये बैच मंडे से शुरू हो रहा है। ये बैच का फी है 899 रुपीज़, ठीक है, 899 में ये आपका 2.5 महीने का बैच है, अक्टूबर मिड तक चलेगा, ये मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है। सेशन को लाइक भी कर देना, और अनअकैडमी पे एडमिशन करते समय लेते समय कोड मांगेंगे ये डाल देना, इसमें आपको सिर्फ मेंस का बैच मिलेगा। सही। और समुद्र मंथन, जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स काफी दिनों से समुद्र मंथन का बैच कर रहे थे, एक बार समुद्र मंथन पढ़ लो, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बट याद भी तो टीचर का काम है करवाना, आप तो सिर्फ क्लास में आ जाते हो, हम लोग का काम है ना रटवाना, ये काम आपका इसमें हो जाए। ये ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, इसका प्राइस है 599। ये सब में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं ना, तो फटाफट ले लीजिए, क्योंकि आज से इनका ऑफर भी शुरू हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और ये तो समुद्र मंथन हो गया, और आज से एक 1899 का बैच शुरू हो रहा है 2024 वालों के लिए, जो बिगिनर्स है, और इस बैच में समुद्र मंथन बैच भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इस बैच में 3 दिन समुद्र मंथन चलेगा, किसी किसी हफ्ते 2 दिन भी हो सकता है, और ग्रामर वाला रोज चलेगा। तो ये बैच में ग्रामर और वोकैब रोज चलेगा। इस बैच में आपको 2 बैच करना होगा, एक ही बैच में दोनों बैच कंबाइन है। आज से ग्रामर शुरू है, ट्यूसडे से वोकैब। कल आओगे क्लास में सारा चीज़ बता दूंगी। और अनअकैडमी पे एडमिशन लेते समय आपको क्या करना है, आपको ये वाला कोड डाल लेना है, ठीक है। आज से इनका 10% के जगह 50% डिस्काउंट शुरू हो गया, तो आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। आपके पास 3 3 बैचेस है, इंजॉय करिए, पढ़िए, सिलेक्शन दीजिए। और जिसको दिक्कत होती है इडियम्स, वन वर्ड वगैरह में ना, फिक्स प्रेपोजिशन में, वो ई बुक खरीद लेंगे, ठीक है। ये ई बुक में सारा चीज़ है, 175 रुपीज़ का ई बुक है, ये आप ले सकते हो। कहाँ से? यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से ई बुक खरीद लो। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल नहीं उठाते, मैसेज कर लेना, ओके। और ये सब आपके बैचेस वगैरह है। चलो अब मेरी क्लास भी है। ओहो अच्छा, आपसे 10 क्लासेस किया था, A to Z सीरीज से 50% वो कैब आ जाता। कई तो बोलते हैं कि आपके ए वर्ड से ही बहुत सारा आ जाता है मैम, बहुत अच्छी बात है विकास, बहुत अच्छी बात है। चलिए कल मिलेंगे हम। और जिन्होंने अनअकैडमी का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, उनको कोई बैच फिर से लेने की